प्यारा भान्जा ह्यान्डसम भान्जा सो गाइज प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई भान्जास युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम दोनों आए हैं ठीक है घर से जो एक पिलर था वहाँ पे अगर वो डूबने से मतलब सी लेवल कहाँ तक पहुँच जाता है तो प्रसिद्ध दो व्यक्ति है शंकर देव और माधव देव माना जाता है कि जब वो पिलर डूब जाती है तो पूरी विश्वनाथ जिला ही डूब जाती है ये ना So what's up my handsome and YouTube people, this is your bro Wong Chutam here and once again welcome back to my YouTube channel and welcome back to you all my new another vlog. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज मतलब विश्वनाथ चारली पे आया हूँ. चारली मतलब विश्वनाथ घाट पे आया हूँ ठीक है. यहाँ पे मतलब बहुत सारा हिस्ट्री का मतलब जो भी है पहले का दिन का वो सब मैं आप लोग हर चीज़ दिखाऊँगा ठीक है. तो ये कुछ ऐसा है गाइस नज़ारा यहाँ का. अब विश्वनाथ चारली को विश्वनाथ घाट वहाँ पुगिसक्यौँ. त्यो गेटदेखि अब हामी इन्ट्रेन्स पुगिसक्यौँ. सो लकीली दिस इज़ माई सेकेंड टाइम इन विश्वनाथ घाट. मैं पहली बार 2015 में आया था ठीक है. तो अभी 8 साल बाद मैं विश्वनाथ घाट पे जा रहा हूँ गाइज. सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड. तो गाइज अभी हम लोग पहुँचने वाला है यहाँ पे. तो ये रहा पूरा गांव एरिया ठीक है. तो हम लोग को थोड़ा आगे में जाके अभी बाइक थोड़ा साइड में एंट्री करवाना है. उसके बाद में जाएंगे फिर दिखेंगे ठीक है. तो ऐसे बने रहिए गाइस, मैं दिखाऊँगा आप लोग को सब कुछ. सो गाइज फाइनली पहुँच गया अभी. तो अभी बाइक को तो रख देंगे थोड़ा साइड पर. तो चलो देखते हैं अभी क्या है ठीक है. तो मामा थोड़ा आगे में है, वो मतलब बात कर रही है आदमी लोग से ठीक है. सो गाइस कुछ ऐसा है नज़ारा मतलब जब मतलब पानी का सीजन होता है ना यहाँ पे मतलब पूरा पानी से पूरा ढक जाता है ठीक है. सो गाइस कहा जाता है कि जो ये आप ये बड़ा वाला पत्थर देख रहे होंगे यहाँ पे मतलब ब्रिटिश का टाइम में वो लोग का यहाँ पे कैंप हुआ करता था ठीक है. तो जो भी मतलब जहाज़ जाता था सामान लेके वो लोग यहाँ से सिग्नल देता था और जहाज़ यहाँ में आके रुक जाता था ठीक है. गाइस ये तो बात सही है कि जब आप लोग यहाँ पर एक बार विजिट करेंगे तो यहाँ का मज़ा सिर्फ आप ही ले सकते हैं ठीक है. जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे गाइस तो एक बार आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए और यहाँ का मतलब मज़ा लीजिए ठीक है. कुछ अलग सा ही सुकून मिलता है गाइस. बोटिंग करने का बहुत दिल था गाइस लेकिन क्या करेगा यार हम लोग के पास अभी इतना टाइम भी नहीं है गाइस. तो अभी हम लोग को फिर वापस जाना पड़ेगा तो इसलिए आज बोटिंग नहीं करेगा ठीक है. फिर कभी करेंगे. तो गाइस यहाँ पर मतलब बहुत सारा दुकान है ठीक है. जब आप लोग अगर आप लोग घर से मतलब प्रसाद वगैरह भूल के आएँगे तो आप लोग टेंशन ना लीजिए. आप लोग यहाँ में आके बढ़िया से दुकान से मतलब जो प्रसाद होता है अगरबत्ती होता है जितना भी मतलब सामग्री होता है पूजा करने के लिए आप लोग यहाँ में आके आराम से ले सकते हैं ठीक है. क्योंकि यहाँ में बहुत सारा दुकान है. सो गाइस ये रहा हम लोग का प्यारा सा ब्रह्मपुत्र नदी और उस पार में है हम लोग का नेशनल पार्क काजीरंगा. अगर आप लोग उधर में जाना चाहते हैं तो आप लोग मतलब बोट रिजर्व करके जा सकते हैं, वहां का नज़ारा देख सकते हैं ठीक है. वीरभद्र. सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरे सामने में बड़ा वाला पत्थर है, कहा जाता है कि इसका नाम वीरभद्र टेम्पल है ठीक है. मतलब एंशियंट टाइम में मतलब यहाँ पे कुछ गुफा हुआ करता था. जो गुफा मतलब बहुत साल तक था लेकिन वो गुफा मतलब कुछ ऋषि मुनि लोग ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया. वो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मतलब ऊपर से पूरा ढक्कन दे कर रखा हुआ ठीक है. ये मतलब अभी परमानेंटली पूरा क्लोज हुआ है. इसका नाम है वीरभद्र टेम्पल और असम इसमें कहा जाता है बोरोला खिल. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम दोनों आए हैं ठीक है घर से मतलब तेजपुर से हम दोनों आए हैं. यहाँ इधर रहा मेरा मामा. हेलो. इधर रहा हम मेरा प्यारा भांजा हैंडसम भांजा. सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई भांजास यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. मामा आज कैसा लगा आपको इधर आके? तो आज बहुत दिनों के बाद मैं विश्वनाथ घाट पे घूमने के लिए आया हूँ. तो करीब 2 घंटे का रास्ता तय करके आज हम यहाँ आ पहुँचे हुए. तो यहाँ आके आज कुछ अलग सा चीज़ें सुनने को मिला
जो कि आज हम देख सकते हैं, ये हमारे आगे जो पड़ा हुआ है एक रॉक चट्टान, इसको वीरभद्र टेम्पल भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है। और इसे अभी यहाँ के आदमी इसको बोरला खिल भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू वेरी मच। और एक बात, मतलब विश्वनाथ घाट मतलब फेमस क्या के लिए है? वैसे आप तो यहीं का आदमी है, तो इसे जेन्युइनली आपको पूछा, मतलब इसे विश्वनाथ घाट फेमस क्या के लिए है? मतलब तो हम लोग का असम साहित्य में देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध दो व्यक्ति है, शंकर देव और माधव देव। तो शंकर देव थे, वो यहाँ पे आके इस तट, जो तट पे रहते थे, तो इस ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से बहती है, तो इस जगह पे विश्वनाथ घाट पे शंकर देव आके यहाँ पे वो विचरण करते थे। तो इस जगह पर जो शंकर देव आए हुए थे, इसलिए उन्होंने बहुत सा मंदिर मठ को खड़ा किया, जो कि इतिहास में देखा जाता है। विश्वनाथ टेम्पल है, गुप्त काशी है, तो इस पार ब्रह्मपुत्र के पार में काजीरंगा जंगल भी है, तो बहुत सा ये सौंदर्य देखने को मिलता है, इसीलिए ये फेमस माना जाता है। टावर था, उस पर एक सिग्नल लगाया हुआ था, तो उस सिग्नल से पता चलता था कि शिप कहाँ पे रुकना है, तो सामान किधर रखना है। माना जाता है कि जब वो पिलर डूब जाती है तो पूरी विश्वनाथ जिला ही डूब जाती है। ये एक पैरामीटर भी है जो कि जल को मापा जा सकता है। वो पिलर डूब जाने से कहा जाता है कि ये विश्वनाथ पूरा डूब जाती है, यही है इसकी खासियत। अच्छा, थैंक यू सो मच। मतलब हमको इतना मालूम नहीं है, ठीक है, मतलब मेरा मामा जो वो तो तेजपुर का याद है, तो इसलिए मतलब कुछ नॉलेज लेना पड़ता है ना सीनियर से। तो ठीक है गाइस, अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे मतलब नॉलेजेबल वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, तो फिर मिलेंगे यार। हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं ना मामा? हाँ, अब तो टाइम भी हो चुका है, बहुत टाइम हम लोग ने यहाँ पे बिताया हुए, तो अभी दीदी के घर जाना है। हाँ, वहाँ जाके खाना शायद ठंडा हो गया, खाना भी ठंडा होगा शायद। तो अभी कहाँ पर जाएंगे हम लोग? गोलिया, तो विश्वनाथ के नेपाली बस्ती बोला जाने से गोलिया है, वहाँ पे बहुत ही विकसित हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो यहीं तक था मेरा वीडियो। ओके ओके, बाय बाय। चाचा जी, चाचा जी।